स्नातक एनएसपी छात्रवृत्ति 2024 का जो भी छात्र इस बार एडमिशन लिए हैं ग्रेजुएशन में 2024-28 वाले, आप लोगों का जो 75,000 रुपये की राशि जो है एनएसपी के तहत दी जा रही है उसका फॉर्म जो है वो कॉलेज में जमा होना शुरू हो गया है। आपका ऑनलाइन करने के तुरंत बाद जो है 75,000 रुपये की राशि स्वीकृत करके आपके बैंक में भेजी जाएगी, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आपको किस तरीके से ऑनलाइन करके कॉलेज में जो वेरीफाई करवाना होगा, क्योंकि 75,000 रुपया जो है वो आपका कॉलेज में वेरिफिकेशन के बाद जो है सभी छात्र और छात्राओं को यहां पे दिया जाएगा 4 सालों के लिए, यानी जो 4 सालों का ग्रेजुएशन है उसके लिए 75,000 रुपये की राशि जो है वो एनएसबी के तहत जो है वो यहां पे दी जा रही है 2024 से 28 तक के जितने भी सेशन हैं उस सेशन के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से कॉलेज में फॉर्म जो है वो आपको जमा करना होगा, क्योंकि कॉलेज में जो फॉर्म जमा होगा वो सबसे पहले आपको ऑनलाइन करने के बाद जो है वो कॉलेज में फॉर्म जमा करना है, जिसका कॉलेज जो है वो यहाँ पे अवलोकन करेगी और उसके बाद जो है वो आपको सर्वर पे आपको अपलोड करना होगा। वेबसाइट पे जो कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट देगी आपको, वो आपको सर्टिफिकेट लेकर जो है वो आपको फिर से आपको लॉगिन करके जो आप रजिस्ट्रेशन किए हैं जो लॉगिन आईडी मिला है वो लॉगिन करके आपको जो है पूरा डिटेल्स वहाँ पे अपलोड करना होगा और उसके बाद जो है वो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा और फाइनल सबमिट के बाद जो है वो 75,000 रुपये की राशि का प्रोसेस जो है वो आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी प्रक्रिया मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप ध्यान से सबसे पहले पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी यहां पे मिल सके, क्योंकि लास्ट डेट के बाद फिर आप बाद में आपको ये जानकारी मिलेगी तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो देख लीजिए, पूरी वीडियो देखने के बाद ही आप कुछ कॉमेंट करेंगे, ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है। तो पहले पूरी जानकारी यहाँ पर समझ लें कैसे आपको कॉलेज में फॉर्म जो है जमा करना है, अभी तक ऑनलाइन नहीं किए हैं तो ऑनलाइन कैसे करना है, कितने दिनों बाद जो है पैसा यहाँ पे मिल जाता है। तो देखिए 4 सालों की आपका जो है वो आपका ग्रेजुएशन जो है वो यहाँ पे चल रहा है और ये 75,000 रुपये की राशि जो है वो आपको हर साल आपको दी जाती है, हर साल, यानी कि 75,000 को 4 से आप डिवाइड कर दें तो हर साल आपको उतना राशि जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा, यानी कि आपको पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे पैसे जो है वो आपके सेविंग में ही चले जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखें किस तरीके से आपको ऑनलाइन करके कॉलेज में फॉर्म जमा करके वेरिफिकेशन करवा लेना है, तभी आपको पैसा यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी को पूरी जानकारी मिल सके और जिस तरीके से मैं यहाँ पे ऑनलाइन करने के लिए बता रहा हूँ उस तरीके से ऑनलाइन करके आप जो है सही से कॉलेज में फॉर्म जमा कर दें, क्योंकि कॉलेज को वेरिफिकेशन लेना होगा एनएसपी पे, उसके बाद आपको पैसा जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरी जानकारी आइए यहाँ पर आपको बता देते हैं, सीधे आपको वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो देखते चलिए। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ पहले देख लीजिए, उसके बाद जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप फटाक से आप कर लेंगे। तो पहले समझ लीजिए कैसे क्या करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए गूगल में आके आपको biharnotices.in इस तरीके से सर्च करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो biharnotices.in खुलेगा इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। एकदम ध्यान समझिएगा, जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उस तरीके से आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 लाइन जो है वो 3 लाइन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरीके का पेज खुलेगा। अब आपको यहाँ पे नीचे की ओर जाना है और यहाँ पे आपको एनएसपी स्कॉलरशिप मिलेगा, एनएसपी स्कॉलरशिप 2024-25 इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने एनएसपी स्कॉलरशिप का जो है पूरा डिटेल यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ से ग्रेजुएशन में जो भी एडमिशन लिए हैं वो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले पूरी जानकारी यहाँ पे समझ लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लग रहे हैं, कब आपका लास्ट डेट है, पूरी प्रक्रिया यहाँ पे आप समझ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें सभी छात्र छात्राएं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 24 अगस्त से ही ऑनलाइन जो है वो आपका शुरू है। ऑनलाइन करने के बाद कॉलेज में फॉर्म वेरिफिकेशन कराने का जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है, क्योंकि कॉलेज वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा कि अक्टूबर में ही कराएंगे तो फिर आपको वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 15 से 20 दिन कॉलेज वेरिफिकेशन के लिए लेती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन आपको अभी ही करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे की ओर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे समझेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप की जो राशि है वो यहाँ पे बताई गई है कि आपको 75,000 रुपये की राशि जो है वो यहाँ पे दी जाती है और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। 24 अगस्त से ही ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नीचे की ओर जाएंगे तो कैसे आपको आवेदन करना है, किस लिंक से करना है वो यहाँ पे समझ जाएंगे, ठीक है। अगर आपका 12th में 50% मार्क्स था और आपने स्नातक में एडमिशन लिया है तो आपको ये स्कॉलरशिप की राशि जो है वो दी जाएगी। अगर आपका 50% से कम मार्क्स था 12th में
तो आप इसके लिए ऑनलाइन नहीं कर सकते। यानी कम से कम आपको ट्वेल्थ में सेकेंड डिवीजन जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, तो ही आप एडमिशन बीए में लिए हैं या बीएससी में लिए हैं या बीकॉम में लिए हैं या बीबीए कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे करेंगे। डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे मांगे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका फोटोग्राफ जो कि एसेंशियल होता है, उसके बाद वेरिफिकेशन फ्रॉम प्रोवाइडेड इंस्टीट्यूशन, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ से आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए, यानी आपके आपके नाम पे आपका पेरेंट्स का इनकम कितना है सालाना वो वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेल्फ सर्टिफिकेट यानी कि आपको खुद से अटेस्टेड करवा कर जो है वो आपको यहाँ पे देना है कि आपका उम्र जो है 18 साल से ऊपर हो चुका है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एप्लीकेंट्स फॉर स्कॉलरशिप अंडर MCM, ये MCM वालों के हैं, जो कि आप अगर आप मुस्लिम हैं तो आप MCM का भी फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। फी रिसिप्ट जो है वो आपको यहाँ पे लगेगा, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उसका फी रिसिप्ट है ना, जो आप पैसा जमा किए तो उसका जो रिसिप्ट है वो वहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और खुद का बैंक अकाउंट डालना है, यानी स्टूडेंट के नाम पे ही बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो आपका लगेगा, करेंट वाला, पुराना नहीं लगेगा, करेंट होना चाहिए, यानी 2024 का ही होना चाहिए। आधार नंबर आपके पास होना चाहिए, है ना, आधार नंबर आपका मस्ट है। उसके बाद जो है अगर आप किसी दूसरे राज्य से हैं और किसी दूसरे राज्य में पढ़ रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट स्कूल से आपको बोनाफाइड स्टूडेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको कॉलेज में मिलेगा और कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेकर आपको पोर्टल पे अपलोड होगा। यानी अगर आप आपका रहने का राज्य कोई और है और एडमिशन आपने किसी और राज्य में ले रखा है तो आपके लिए ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑनलाइन कैसे करना है, तो नीचे की ओर आइएगा सबको समझते हुए, तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलेगा, इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई जो है वो यहाँ पे आपका शुरू हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोर्टल जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप पहला प्रोसेस जो है वो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्टर योर सेल्फ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे गाइडलाइन पहले दिया गया है, गाइडलाइन को अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ने के बाद यहाँ पे जो चेकबॉक्स है उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ध्यान देंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक बार ही होता है, तो अच्छे से फिल कीजिएगा, दोबारा आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सामने जो है वेरीफाई का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा, जो आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पे आपका OTP जाएगा और वही OTP जो है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। जो यहाँ पे कैप्चा कोड दिख रहा है आपको, ये कैप्चा कोड जो है वो यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपका जो है ऑनलाइन प्रोसेस जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे हो गया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पुनः लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका आया उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको जो OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने जो किया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालकर आपको जो है रजिस्ट्रेशन कर ले, आपको जो है ऑनलाइन के लिए लॉगिन होना है। लॉगिन जब होंगे तो सारी डिटेल्स जो है वो आपको वहाँ पे फिल करना होगा, जो डिटेल मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद जो है वो आप ट्रैक पेमेंट स्टेटस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ से आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपका पेमेंट का स्टेटस क्या है, ठीक है। आपका फॉर्म जो है, फॉर्म का स्टेटस जो है वो यहाँ पे आप जो है लगातार यहाँ पे आप देख पाएंगे। तीन चरण में है, सबसे पहले यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद पेमेंट डिटेल्स आपको चेक करते रहना है। सबसे पहले आपको लॉगिन करने के बाद फॉर्म जब अप्लाई कर लेंगे तो उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है और जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है
उस कॉलेज में जाके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो वहाँ से आपका कॉलेज वेरीफाई हो जाएगा, पुनः लॉगिन होकर आप देख लेंगे कि आपके कॉलेज का नाम वहाँ पे शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव हो गया है, अगर नहीं कर रहा है तो कॉलेज से आपका वेरीफाई अभी तक नहीं हुआ है, जिसमें आपको टाइम लग जाता है, जिसमें 15 किसी कॉलेज में 15 दिन तो किसी कॉलेज में 20 दिन लग जाता है। यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने में आपको 15 से 20 दिन का समय जो है वो यहाँ पे लगता है। तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल नहीं करें, ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, जाइए लिंक पे क्लिक करके फटाफट तरीके से ऑनलाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।